बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, इस पर क्या कुछ कहेगा? अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता ही चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बता चुके बाबा साहब किस मेंटेलिटी के हस्ती थे, क्या क्या किए, और आज उनके सक्सेस और उनके कार्य शैली जो रहा है उसके ऊपर भारत सरकार ने आज बंदी का दिन सारे कार्यालय का घोषित किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब किस तरह के हस्ती थे। और सेकंड अंबेडकर के रूप में, सेकंड भीमराव अंबेडकर जी के रूप में अपने स्वर्गीय भाई जो फाउंडर रहे हैं लोजपा के, उनको भी दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करने का मांग किया है उन्होंने। जाएंगे हम लोग सीएम से टाइम अभी लेंगे, मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। संविधान बचाओ देश बचाओ के बैनर तले वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, क्या लगता है कि संविधान खतरे में कहा है? संविधान बचाने और देश बचाने की बात, कोई संविधान देश का खतरे में नहीं है। अगर खतरे में होता और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह अगर रहता, इतने इतने लोगों पर रोज संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, किसी को फांसी हो रहा है, किसी को सजा हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, संविधान के तहत ना हो रहा है। संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। और कुछ हाजीपुर रेलवे स्टेशन को रामविलास पासवान जी के नाम पर करने के लिए मांग की है चिराग पासवान ने रेल मंत्री से, क्या? हाजीपुर जंक्शन का नाम अगर बदलने के लिए उनके तरफ से आया है, इस बात पे हम विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन अपना वैशाली को दे दिया है, इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी समर्थन होगा। और अगर ऐसा होता है उनके नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलाव, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत खुशी होगी। अच्छा बात है, अच्छा सोचा है। आप भी उनके साथ जाकर डिमांड करें क्या? रामविलास जी के नाम पे वो हमारे अध्यक्ष और फाउंडर रहे हैं, उनके नाम पर डिमांड करने में क्या शर्म है, क्या दिक्कत है? क्या बात बोलने लायक है, सार्वजनिक और अच्छा बात है, इस पर बोला जा सकता है। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारा जी बात करेंगे? भाई बात है, आपके लिए बड़े भैया के नाम पर अगर मांग किया जाएगा या किन्हीं की इच्छा होगी, वो इच्छा पूरा होगा। ऐसे भी कितने जंक्शन, कितने स्टेशन का नाम बदला गया है कि नहीं, वो भी भारत के बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते थे, उनके लिए भी अगर एक स्टेशन का नाम बदलाव अगर करने का प्रस्ताव जाता है भारत के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी के यहाँ, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उनके नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलाव करने का प्रयास करेंगे। रेल मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि जो ये नाम है चेंज करने का वो स्वीकृति मिलेगी? फोन मिले हैं, चिराग पासवान मिले, इसलिए अभी कहाँ मिले हैं हमको इतना पता नहीं है, लेकिन आप लोग की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसमें हम जवाब दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे अगर ऐसा विचार या ऐसी सहमति बनती है, इस संबंध में भारत के जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, उसमें बदल लगे अश्विनी, हाँ वैष्णव जी, जिनको की अलाउड भी हुआ है 18 जनवरी, तो है ना, उनसे मिला जाएगा। चिराग पासवान भी आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, कोई भी मना सकते हैं अम्बेडकर जयंती, चिराग पासवान है क्या, आरजेडी में भी मना होगा, जीतनराम मांझी भी मना रहे हैं, जदयू में भी मना होगा, तो हम चिराग जी के बारे में स्पेसिफिक काहे बोलने जाए भाई? भारत के संविधान बनाने वाले निर्माता थे, उनके अरे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, हाजीपुर में सीट नहीं मिला ऐलान करने के बाद, कहाँ से मिलेगा?